बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में अल्हम्दुलिल्लाह खुश होंगे। मैं हूँ शाइस्ता हैदर और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल शाइस्ता हैदर इन्फो पे। आज का हमारा टॉपिक है ओपन पोर्ट्स। ओपन पोर्ट्स जैसा आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा एक तो विजिबल होते हैं फेस पे और बुरे लगते हैं। आप उसे, हम लोगों की कोशिश होती है कि या तो हम उसे मेकअप से छुपा लें, प्राइमर हम लगाते हैं उसको छुपाने के लिए कि वो क्लोज नज़र आए, यानी वो ओपन इतने ज़्यादा लार्ज पोर्स ना नज़र आए, तो हम उसकी हैवी बेस मेकअप की अक्सर लगा लिया करते हैं या प्राइमर पहले यूज़ करते हैं कि वो आपके पोर्स नज़र ना आए, और बहुत कितनी होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली इनको बिल्कुल क्लोज़ किया जा नहीं सकता। ये हमारी स्किन की ब्रीदिंग का काम करते हैं, इनका ओपन होना ज़रूरी है। हाँ, इनलार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो बहुत बुरा लगता है। और होते ये कहाँ हैं, होते क्या हैं, पहले तो ये बताऊँ कि ये होते क्या हैं, पोर्स क्या होते हैं। हमारे फेस पे एक पोर में हेयर फॉलिकल होता है और इसके अलावा ऑयल ग्लैंड होता है। हमारे स्किन के पोर्स में डर्ट, बैक्टीरिया, ऑयल और या फिर डेड स्किन सेल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे पोर्स इनलार्ज होने लगते हैं तो उनमें एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता, डेड सेल बिल्डअप होना शुरू हो जाते हैं। इसी की वजह से फिर हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनना शुरू हो जाते हैं। वाइट हेड और ब्लैक हेड जब बन जाएँ, ये एक और नया मसला खड़ा कर देते हैं हमारी स्किन के लिए। आप किसी के भी फेस पे अगर ब्लैक हेड्स हैं तो वो स्किन भी बहुत ज़्यादा बुरी नज़र आ रही होती है, और वाइट हेड्स हैं तो वो भी ज़्यादा बुरी नज़र आ रही होती है। इसके अलावा अगर एज आपकी हो गई है, एजिंग जब प्रोसेस चल रहा होता है इंसान का, तो ये जब आप ओवर एज हो जाते हैं तो उसमें भी आपकी स्किन लूज़ हो जाती है और सैगी हो जाती है, उसमें कॉलेजन कम हो जाता है हमारी स्किन में, और ये पोर्स हमारे इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी होते क्यों हैं, मतलब इसके रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहली रीज़न तो एज़ यूजुअल जैसे हर चीज़ में होती है कि जेनेटिकली होते हैं। जो अगर आपकी फैमिली में है इनलार्ज पोर्स का इशू तो आप में भी आ सकता है। इसके अलावा मोर ऑयल प्रोडक्शन एक इसका रीज़न है कि जिसकी वजह से हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं। एजिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है, सन डैमेज एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए कहा जाता है कि सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि अगर सन में, अगर सूरज में आप ज़्यादा देर काम करते हैं तो ये भी एक वजह है हमारे पोर्स के इनलार्ज होने की। अच्छा, उसके बाद हम इसे रिड्यूज़ कैसे कर सकते हैं, ओपन पोर्स को क्या करें कि ये रिड्यूस हो जाएँ। उसके लिए हम एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपनी स्किन को ताकि वो बेटर नज़र आए। हाइड्रेट करना चाहिए हमें अपनी स्किन को, सनस्क्रीन का यूज़ करना चाहिए, SPF 30 और PA SSS वाला जो सनस्क्रीन होता है उसको यूज़ करना चाहिए, और टोनर यूज़ करना चाहिए हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। टोनर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। पहले टोनर एल्कोहल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था जो हमारी स्किन को ड्राई कर दिया करता था, लेकिन अब ये है कि टोनर में अल्कोहल का यूज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो अब हमारी स्किन बाकी उससे हाइड्रेट होती है और हमारी स्किन को वो फ्रेश रखने में, डर्ट और मेकअप वगैरह रिमूव करने में, हमारी स्किन को क्लीन करने में मदद देता है। और इसके अलावा हमें फेस अपना वॉश करना चाहिए किसी बहुत अच्छे फेस वॉश से, और ट्वाइस अ डे वॉश करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल वाटर यूज़ करें फेस वॉश करने के लिए, और बहुत ज़्यादा जो लोग रगड़ रगड़ के फेस वॉश करते हैं उस तरह वॉश ना करें, जेंटली फेस वॉश करें ताकि आपकी फेस की स्किन इरिटेट ना हो। अगर वो इरिटेट होती है तो फिर भी आपके पोर्स ओपन होने का ख़तरा होता है। अच्छा, कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि जिससे ओपन पोर्स का ये प्रॉब्लम आपके का सॉल्व हो सकता है। 100% तो नहीं होता कोई भी चीज़, पोर्स को हमें 100% क्लोज करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि हम इसे 60-70% जो इनलार्ज हो चुके होते हैं उनको कम करने में मदद मिलती है हमें इन रेमेडीज़ से भी। और अगर आप
डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो वो भी डिफरेंट तरह के ट्रीटमेंट्स देते हैं आपको, तो उससे आप उससे भी हमारा पोर्स टोटली क्लोज नहीं होता, हमें करना ही नहीं है टोटली क्लोज़, क्योंकि वो हमारी स्किन सांस लेती है उन पोर्स के थ्रू, हमें उन्हें क्लोज़ नहीं करना, लेकिन हम उन्हें बड़ा नहीं रखना, हमें उन्हें क्लोज़ इस सेंस में करना है कि उन्हें ना हो कि वो बहुत बड़े बड़े नज़र आए फेस पे आपके और आपको छुपाना पड़े मेकअप से, टोनर से या प्राइमर से या किसी चीज़ से। अच्छा, सबसे पहली तो जो रेमेडी है वो है एक बहुत बेहतरीन हमारा इंग्रेडिएंट है हमारा मुल्तानी मिट्टी, पाकिस्तान का मुल्तानी मिट्टी कहा जाता है उसे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन फेस मास्क इससे बनते हैं, बेहतरीन है ये ओपन पोर्स के लिए, बेहतरीन है स्किन टाइटनिंग के लिए, बेहतरीन है हमारे फेस की दूसरी प्रॉब्लम्स के लिए। इसे आप रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके फेस पैक फेस पे लगाएं, अगर चाहें तो विटामिन ई कैप्सूल शामिल कर लें, 1 टेबल स्पून आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल शामिल कर लें और इसे फेस पे अप्लाई करें, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और मास्क बनाया जाता है जो कि बनता है कॉफ़ी से, कॉफ़ी बेस्ड मास्क होता है, कॉफ़ी होती है, उसमें आप थोड़ा सा योगर्ट ऐड करें, थोड़ा सा खुश्क दूध ऐड करें और इसका एक पेस्ट बना के फेस पे लगाएं, तो ये भी आपके पोर्स को क्लोज़ करने में मदद देता है या आपके इन लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अच्छा, इसके अलावा हनी और योगर्ट को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं और कोशिश करें कि जब ये मास्क आप जब आप उतारें आपको इन्हें लगा के रखना है कम से कम 20 से 25 मिनट इन्हें लगा के रखें, इन्हें ड्राई होने दें, जब ये ड्राई हो जाएं तो उसके बाद आप इन्हें किसी कॉटन में किसी टिश्यू में आप आइस क्यूब लेके उसको फेस पे रब करके और इसे रिमूव करें, या अगर चाहें तो हल्का सा हाथ गीला करके और फेस पे हल्की सी स्क्रबिंग करें, हल्की बिल्कुल जेंटल हाथों से स्क्रबिंग करें और इसको रिमूव करें, लेकिन उसके बाद भी आइसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइसिंग हमारे पोर्स को क्लोज़ करने में मदद देती है, शॉर्टन करने में मदद देती है। अच्छा, इसके अलावा एक और मास्क है जो एक हमारी बहुत प्यारी डाइटिशन अक्सा हैं, उन्होंने बताया था और मैंने यूज़ भी किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा वो भी एक आपके साथ शेयर करूं। आपने थोड़ा सा पानी लेना है 10 टेबल स्पून, उसमें आपने हाफ टोमेटो डालना है और डाल के उसे पका लें, यानी इतना कि वो गल जाए। अच्छा, उसको छिलका रिमूव कर दें, जब वो थोड़ा सा पक जाएगा तो वो छिलका खुद ब खुद अलग हो जाता है, जब वो छिलका उसका रिमूव हो जाए तो उसमें आपने 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड ऐड करने, आपने उसे पका लेना है अच्छी तरह, जब वो अच्छी तरह उसका पल्प उसमें ग्राइंड सा हो जाए उसमें चम्मच की मदद से दबा दबा के आप उसको बिल्कुल पीस लें और फिर एक स्ट्रेनर की मदद से उसे छान लें, जब वो छन जाएगी तो नीचे उसके आप छन्नी में छान लें, आप मलमल के कपड़े में छान लें, अप टू यू, उसे अच्छी तरह छाने, अगर छन्नी से छान रहे हैं तो चम्मच से छान लें, वरना उसे दबा दबा के उसका जो पल्प है उसका जो उसकी जो हमें एक थिक सी कंसिस्टेंसी हासिल हुई है उससे टमाटो और फ्लैक्स सीड से, वो हमने एक छोटी सी कटोरी में कंटेनर में जमा कर लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपके पास वो तकरीबन 1 टेबल स्पून शायद आपके पास जमा होगा, उसमें 1 टीस्पून आपने डालना है वाइट आटा मतलब पराठों का आटा, चक्की का आटा नहीं, वो डालें और अच्छी तरह मिक्स करें कि उसमें लम्स ना बने, उसमें घुटनियाँ नहीं बननी चाहिए, खूब अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने फेस को वॉश करना है, वॉश करने के बाद आपने अपने फेस पे उसे अप्लाई करना है, अप्लाई करें और उसको ड्राई होने तक छोड़ दें, फिर उसके बाद आपने उसी तरह कॉटन में या टिश्यू में बर्फ़ लेके और उसे उस आइस से आपने उसे अपने फेस को हल्के हल्के रब करना है, बहुत ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने, जेंटली रब करना है और उस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू से उसे रिमूव कर देना है और लास्ट में आपने मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है अपने फेस पे, ठीक है। ये डेली आपने करना है, आप 3 से 4 दिन में करेंगे आपको फ़र्क फील होना शुरू हो जाएगा, ना हो तो 1 हफ़्ता आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेहतरीन रेमेडी है, आपको
100% रिज़ल्ट देगी। आपका ओपन पोर्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जल्दी हल हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।